होता है मतलब जहाँ काम नहीं करते वहाँ पे कोई रूप बन जाता है, हाँ, होता है। आपके घर में आप मेन हो, आपके ना होने पर आपसे उनसे पूछ लिया जाएगा क्या करें क्या सब वो उपाध्याय का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रिंसिपल उपाध्याय का मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट आचार्य का सहयोग करने वाला वाइस प्रिंसिपल बढ़िया करके फोटो हम दोनों का लो आज आचार्य उपाचार्य फोटो करना है एकदम ऐसा क्यों सोच रहे अपने घर पे दिखाने दी हमारे यजमान हैं अच्छा हमारे बड़े भाई हैं अच्छा जी सब आचार में आ जाते हैं अच्छा आप हमारे कौन हो आज माँ बताए ईसा के लिए जो बन जाओगे वही है हमारे अपना दिए लकड़ियों का हमने बेटी को अपने कैसे भाई ने कैसे वैसे दिमाग जो लगाया हमारे गुंडे ने लगाया गुंडे ने कौन सा गुंडा राम पर अच्छा मतलब उसको यहाँ रहते रहते सुधार हो गया बहुत सारा हो जाता है लोग बोलते हैं ना उन्होंने पढ़ाई किया था लेवल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है उसकी गलती नहीं है वैसे वो तो बहुत सही है लोगों को मतलब गलत लोगों के साथ मिलते मिलते हो ऐसे दिल्ली वो बहुत सुधार हो गया ये तो मानो उसको इतना चेंजेस आया जो बाबा लोग बोले पनीर नहीं खिलाया बोले बाबा बोले बोले पनीर नहीं खिलाया राम गोपाल अकाल सिर्फ लेते हैं बाबा अच्छा कोरे संघात इससे ये जो है ना ये कब करेंगे इसका अगले उस पर ये का होगा सवाला पर इस बार भी ये ढाई लाइन लिखो यार अभी बोले सवाला अभी चीटिंग करते रहते हो बीच में बड़े झूठ बोलते हैं सेकंड सेकंड में सुबह एक बार शाम के बाद भूल जाते सुबह क्या बोला था याद नहीं है कि वही वाले को क्या रेट दिया था मालूम नहीं है परसों एक रेट दिया था आज एक रेट दिया और एक नहीं इसलिए रेट फिक्स कर दो रेट फिक्स कर देना चाहिए अच्छा ढाई लाख तो वो है जब फिर ढाई लाख पच्चीस हजार तो बोला नहीं तो कम से कम दस पच्चीस पंद्रह ढाई लाख काम करने के ढाई पच्चीस हजार जॉब के लिए ढाई लाख का पच्चीस हजार जॉब जो है पच्चीस हजार जॉब जो है दस पंडित जी को दे भी करवाएंगे तो कर तो देंगे पर आपको पता लगेगा दस पच्चीस हजार नहीं हुआ और ढाई हजार में जोड़ लिए जीरो जीरो लगा दी पच्चीस ब्राह्मणों में तरफ पच्चीस हजार ब्राह्मणों में तो एक लाख हो जाएगा क्योंकि वो पच्चीस ब्राह्मण सुहा करेंगे साथ में हम और होंगे पचास हो जाएंगे सुहा करने वाले पच्चीस पंडित जी उच्चारण करेंगे पच्चीस में पच्चीस तो रहेंगे पूजा के लिए एक तो रहेंगे एक्स्ट्रा जो मदद करने वाले पर सुहा सब बोले सुहा तो कोई भी किसी परिस्थिति में बोल सकता है ना लोग कब ये मंत्र को मेरे समझ में नहीं आया चंडी मैं हिंदी भी पढ़ करता था तो मेरे लिए चंडी हिंदी नहीं चाहिए तू लोग का दोस्त जिसके लिए मैं उसको जितना मेरे को संस्कृत समझ में आता है उतना मैं संस्कृत में करता जो समझ में नहीं आता उसे मैं हिंदी सीधी सी बात हमने कभी संस्कृत का पढ़ाई तो किया नहीं था ना हमने हिंदी जानते थे हम हिंदी आज भी नहीं लिख सकते लिख नहीं सकते लिख भी बोल लेंगे पढ़ भी लेंगे सब कुछ कर लेंगे संस्कृत तो पढ़ लेता हूँ हिंदी तो थोड़ा संस्कृत भी पढ़ लेता हूँ पर लिखते समय मैं भूल जाता हूँ कौन सा किस तरह घुमा हुआ था मतलब एक जैसे आ आ ऐसे करके दो जगह तो लिख दूंगा सारे नहीं लिख पाऊंगा तो सब समझ में आ जाता है कि ये होगा हमने तो आइडिया लगा लगा के सब जैसे हम लोग कुछ लोग तिलोक लगाते थे जैसे तिलक धारण के तो काफी सारे कई सारे मंत्र हैं आप लोग भी ओम नमः ब्राह्मण